वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने जिस तरह प्रत्याशी का चयन किया उसमें कांग्रेस ने अपना बड़ा ही विभत्स रूप दिखाया है। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के पारंपरिक वोटर होंगे वे भी आज उनको वोट नहीं देंगे। कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी का चयन किया उसमें कांग्रेस ने अपना बड़ा ही विभत्स रूप दिखाया। भारत को टुकड़े टुकड़े करने का भाव, भारत की सेना को गाली देने का भाव, भारत के अर्धसैनिक बलों के शहादत पे जश्न मनाने वाला भाव, इस देश में घर घर से आतंकवादी निकालने वाला भाव, मुझे लगता है जो बहुत ट्रेडिशनल वोटर होंगे ना वो भी आज उनको वोट नहीं देंगे। अगर बहुत उनको मजबूरी होगी तो शायद वो वोट न दे, ऐसी स्थिति आ गई है ऐसा हमें पता चल रहा है। वोट देश के लिए है, देश हित के लिए है, नरेंद्र मोदी जी के लिए है।